और उसके लिए हमारे यहाँ अभी इतनी कमाल है कि यहाँ मुंबई में मेरे ख्याल से 20-25 तो भी सेंटर्स हो, और वहां जाकर के आप सीखें, फिर आप रईस हो चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग कोई इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास आलीशान महल और ऐसी वैसी चीजें नहीं, सर्वसाधारण सब चीजें हैं और उसमें मनुष्य जाए और सीखे। इसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं का राजा हूं, मैं कैसे वहां जाऊं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि राजा चाहे रंग हो, सब एक लेवल पे बैठना चाहिए। और वही बात है कि परमात्मा के सामने सब हम एक, वहां जाकर के जो आदमी ध्यान धारणा करे और अपनी उस गहराई को प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती और वो स्वयं शक्तिशाली हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, बहुत साधारण लोग जो कि साधारण सुशिक्षित है, उन्होंने ऐसी कुछ शक्तियां पाली हैं कि हर तरह की बीमारी वो ठीक कर सकते हैं, हर तरह की मानसिक तकलीफें वो दूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सीधे सरल लोग हैं और न कौड़ी न पैसा कुछ नहीं। कर कहीं जाना हो, अभी हमने कलकत्ते भेजा था तो वहां एक साफ पोछी करके, इस प्रकार हर आदमी में ये शक्ति आ सकती है। इतना ही नहीं, अब देखिए आपने बच्चे देखे हैं गा रहे हैं, ये तो हिंदुस्तानी बच्चे गा रहे हैं तो कोई विशेष नहीं, पर आप अगर देखें तो ये गाना जो महालक्ष्मी का गाना था संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसे स्विस सहयोगियों ने बिठाया और वो इतनी सुंदरता से गाते हैं, जो कि एक अक्षर भी हिंदुस्तानी की बोलना माने एक आफत होती थी, वो इतने सुंदरता से संस्कृत में ही ये गाना गाते, मराठी में गाएंगे, हिंदी में गाएंगे, और हमारे हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में सब कुछ करें। ये जो प्रगल्भता मनुष्य आ गई और जिस प्रगल्भता के मनुष्य विशेष मनुष्य हो गया, जो कि कहना चाहिए सुपरमैन की स्थिति में पहुंच गया, वो इतना नम्र, इतना मोहब्बत वाला, इतना कंपैशनेट, इतना करुणामय और इतना आनंदमय हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है। क्योंकि ये विश्व धर्म है और इसमें सारे ही धर्म निहित है, कोई धर्म इसे छूटता नहीं। अगर वो असली धर्म है तो सब धर्म इसमें है, उसका क्या स्थान है, सब अवतरण है और आपके प्रेषित है, उसके अलावा आपके और संत साधु जो जो हो गए सब कहाँ है, क्या है, सबका ज्ञान आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके ये आपका धरोहर, ये आपके देश का धरोहर है, ये हिंदुस्तान का भारतीय धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, ये आपका हेरिटेज, और आप इससे अछूते रह गए क्योंकि अंग्रेजी लोग आपको शासन कर रहे हैं और उसके बाद भी जो आए वो भी भगवान बचाए। मैं गांधी जी के साथ 7 साल की उम्र से थी, गांधी जी स्वयं आपको साक्षात्कारी थे और वो मुझसे कहते थे कि जब अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा फिर तुम अपना सहयोग शुरू करना, उससे पहले नहीं। मैं कहा अभी तो मुझे पता ही नहीं लगा है कि इंसान क्या है, उसके आगे देखना है, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो मुझे वो कहते थे कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र कैसे जाने। मैं कहा बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र नहीं जान सकते। लेकिन उस वक्त अगर वाकई में गांधी जी ने शुरू किया होता, मैं अब भी सोचती हूँ कि उस वक्त ये अध्यात्म शुरू किया होता तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो कभी ना होती। आज जो हमारी दुर्दशा हुई इसका कारण ये कि हम अध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारा विचार ही उधर नहीं बनता है। हालांकि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपने अपना अध्यात्म नहीं पाया तब तक आप सुख चैन से रह ही नहीं, ये तो परमात्मा का बंधन ही है। आपको पैसा चाहिए, पैसा उसके फिर आपसे उठाई, आपको बच्चे चाहिए, बच्चे लीजिए उसके आपसे उठाई, आपको सत्ता चाहिए, सत्ता लीजिए उसके जूते खाइए, और आपको और कुछ चाहिए दुनिया की चीज उसको लेकर देखिए और आप जान जाएंगे कि इसमें कहीं आनंद नहीं है। आप तो जानते ही हैं इकोनॉमिक्स का लॉ ही है कि कोई सी भी चीज आपको अच्छी लगती है आप उसे बहुत मेहनत से पाते हैं और उसके बाद उसका आनंद खत्म हो गया, पाने के बाद में फिर आपको दूसरी चीज चाहिए। यानी ये कि इन जनरल इस नॉट सैशियल कि पूरी तरह से कभी भी इच्छाएं मनुष्य की संतृप्त नहीं है। वही बात कि हमारे अंदर जो कुछ भी इच्छा है वो तृप्त नहीं होती तो कोई ऐसी इच्छा जरूर है जो हमें पूरी तृप्ति देगी, और वही इच्छा है शुद्ध इच्छा जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इस कुंडलिनी को हमें प्राप्त करना चाहिए, इससे हमें जान लेना चाहिए कि हम क्या चीज, हमारी क्या विशेषता है,
हम क्यों इस संसार में आए? जब तक हमारा उस परम शक्ति के साथ संबंध नहीं होता तब तक हम जान नहीं सकते। हम लोग या तो जान ही रहते हैं या अहंकार रहते हैं, किंतु हम उसको जान नहीं सकते। वास्तविक हम वैभवशाली गौरवशाली इंसान है। आज उस इंसान की जरूरत है कि जो इतना वैभवशाली है और जिसके अंदर ऐसा अपना एक आत्मसम्मान है कि वो उस आत्मसम्मान के आगे सब चीजों को तुच्छ समझता है। किंतु ये धर्म जागृति अंदर से होनी चाहिए, बाह्य से नहीं। जब मनुष्य इस धर्म में जागृत हो जाता है तब वो सब अधर्मों को छोड़ ही देता, अपने आप ही छूट जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि सत्य को कोई धर्म सिखाने की जरूरत नहीं थी, वो पैदाइशी धर्म है। ये धर्म आपके अंदर जागृत होना चाहिए और उसके लिए कुंडलिनी का जागरण चाहिए। आप इतने लोगों के सामने तो दिखा नहीं सकते कहाँ धर्म है, लेकिन जहाँ वो हरा गोल है वहाँ आपका धर्म है। उस धर्म को हम जागृत करेंगे तब फिर हम चाहे तो भी अधर्म नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी गलत काम नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही हम कोई गलत काम शुरू कर देंगे ये चैतन्य छूट जाएगा और आनंद भी छूट जाएगा, तो छोड़ो इसको क्या करना। ये कोई चीज एक जमात के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं है, एक किसी विशेष रूप के लोगों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। और सारे संसार को ये पाना है, इसके बारे में अनेक भविष्यवाणियां भी हुई हैं और लोगों ने ये भी कहा है कि ये होने वाला है। लेकिन इस ओर थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं भी एक साधक हूँ और साधक के लिए जरूरी है कि वो ये सोचे कि जो भी मैं पाऊंगा उसे मैं जानूंगा और उसमें मैं गहरा उठूंगा। सहयोग में बहुत लोग पार होते हैं, आज भी आप देखिएगा सब लोग आप शायद पार हो जाए, पर इसमें गहरे उतरने वाले कम लोग। और यही मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है, यहाँ गहराई लोग नहीं। वही उल्टी बात है रशिया जैसे देशों में, जहां पर कि एक बार पार होगा तो जम गए सब, उनमें फिर एक दो ही ऐसे निकलेंगे जो बेकार होंगे। पर अपने देश में कारण कि हम लोगों ने इतने आदर्श देखे हैं, इतने बड़े बड़े महान अवतरण यहाँ हुए हैं, तो अब हमें अपनी कदर ही नहीं रही। अब हम एक गुरु हैं, अब ये गुरु महाराज है, हम उस गुरु को मानते हैं। अरे भाई आपका क्या हुआ, आप में कौन सा गुरुत्व है? हम राम को मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, हम मोहम्मद को मानते हैं, पर आप में कुछ उसका असर आया है क्या? उनको क्यों मानते हैं? आप ही खुद माननीय हो जाइए। और ये तभी हो सकता है कि जब उनका जो तत्व है वो आपके अंदर जागृत हो जाए और सहजोग उसी तत्व को जागृत करता है। इसके लिए एक ही चीज आपसे कहनी है कि इसे सच्चाई है और नम्रता पूर्वक आप इसे मांगे तो जरूर ये चीज हो जाए, जरूर आप सब प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल हम आपको जरा इस पर विशद रूप से बताएंगे, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में तो आपको किताबें भी मिल जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि अंदर का प्रकाश जागृत हो जाए, उसके बाद ये आत्मा क्या है उसके बारे में कल आपको बताऊँ। आशा है आज के प्रास्ताविक में आप समझ जाएंगे कि आप जो अपने को समझते वो नहीं, उससे कहीं अधिक महान विराट है और उसको सिर्फ पाना ही है, उसे सिर्फ जानते हैं। आप उसको मेरा आनंद समय लगेगा आपकी प्रगति के लिए और उसमें भी कोई खर्चित नहीं होगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो कृपया जिसको बाहर जाना हो 5-10 मिनट के लिए तो हो आए और फिर आके आप आराम से बैठ जाए। That we must have respect of ourselves because we are human beings. We are at the epitome of evolution. Sarani Satabhadra ek atma sammana chala pa. Ki ami manav jati janma ra. Manav ha utkranti chya a shikhara vare. तेव्हा स्वतःबद्दल मान असते, स्वतःला कमी लेखायचं नाही, ही पहिली असते। दिस इज द फर्स्ट कंडिशन दॅट यू हॅव टू रिस्पेक्ट युअर सेल्फ।
सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट इट। हमें अपने बारे में पूरी तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि जो लोग हमसे कहते हैं कि आपने ये पाप किया और वो पाप किया, ऐसी जो बातें करते हैं, ये लोग सब खुद पापी हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं और हर मनुष्य कुछ न कुछ गलती कर सकता है, क्योंकि तो कोई भगवान नहीं है। इसलिए अपने प्रति एक तरह से आदर और आत्मसम्मान होना चाहिए। ये पहली आपके लिए कंडीशन है। आफ्टर ऑल यू आर नॉट गॉड, यू कैन मेक मिस्टेक, डजंट मैटर। दोज हू टेल यू दैट यू आर सिनर्स, प्लीज रिमेंबर दे मस्ट बी द ग्रेटेस्ट सिनर। Nobody has business to say like that to any human being. So all of you should have complete regard and respect for your being and have no fear. Swatantra unatvachi bhavana bolisto. Mi asa, mi tasa, mi he paap kela, te paap kela. He tumhi sagala aikvel hai. Ani asa je sangtat ki swatah paapi asa samjhaycha. Ani swatah badal konchi unatvachi bhavana thevaychi. जर तुम्ही देव असता तर दुसरी गोष्ट, पण तुम्ही मनुष्य आहात आणि मनुष्य हा कोणची ना कोणती तरी चूक करणारच, त्यात त्याचं काही चुकलेलं नाही। तेव्हा कृपा करून स्वतःबद्दल कोणत्याही निंदत्वाची भावना ठेवली अशी आपल्याला माझी खरंच विनंती आहे। कारण आता आपल्याला जर परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायचं आहे तर स्वतःबद्दल प्रसन्न असलं पाहिजे। You should be very happy about yourself, very much pleased about yourself. आप अपने और एक प्रसन्न चित्त होकर देखें। अपने को किसी तरह से नीचे गिराने की जरूरत नहीं। दूसरी आदर्श है कि तुम्हें सराहना क्षमा के लिए, तुम्हें क्षमा करा अथवा नका करा, तुम्ही काहीही करत नाही, पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर मात्र तुम्ही अशा लोकांच्या हातात खेळतात जे तुम्हाला त्रास देऊ इच्छित। म्हणून ही एक मिथ्या गोष्ट आहे। मी कृपा करून सगळ्यांना एक साथ क्षमा करा। कोणाला क्षमा करायची, कोणाला नाही करायची असा विचार नाही करायचा। एक साथ सगळ्यांना क्षमा करा। उसे एक बात है कि आपको सबको एक साथ क्षमा करनी होगी। आप क्षमा करें या ना करें, लेकिन आप कुछ करते नहीं। ये सब मिथ्या है और इसे अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप उन हाथों में खेलते हैं जो आपको सताना चाहते हैं। इसलिए एक साथ किसी को याद न करे किसको करना है, एक साथ आप मन में कह दें तो मैंने पूरी तरह से क्षमा। सेकेंड कंडीशन इज टू कंप्लीटली फॉरगिव एवरीवन ऑल टुगेदर, नॉट टू रिमेंबर इंडिविजुअली एनी पर्सन, बट इन अ जनरल वे जस्ट फॉरगिव। वेदर यू फॉरगिव और यू डोंट फॉरगिव, यू डोंट डू एनीथिंग। बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव then you play into wrong hands. So it's a myth, and so please don't torture yourself with a myth. So please forgive everyone without thinking individually about anyone. In a general way, just say I've forgiven everyone. These are the two conditions. Aap apne joote utar diye. प्लीज टेक आउट योर शूज। दौड़े काढून ठेवायत एकीकडे। जे लोक जमिनीवर बसले आहेत त्यांच्यासाठी नव्हे, म्हणजे दौडे त्यांनी काढून टाकायचे, पण जे लोक जमिनीवर बसले आहेत हे मी त्यांच्यासाठी सांगत नाही की
दोनों पाए बूट अच्छे ठेवा, जे खुर्ची वर बसले त्यांच्या बूट ठेवा, एक दुसरा लागतो, जे लोक खुर्ची वर बसले हे तुमच्यासाठी सांगत नाही जे जमिनीवर, तर कृपा करून दोन्ही पाय वेगळे ठेवा. प्लीज कीप युअर बोथ फीट अपार्ट फ्रॉम इच अदर, दोज हू आर सिटिंग ऑन द चेयर्स एंड रिमूव युअर शूज. जिन्होंने जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो दोनों पैर अपने अलग कर लें और जूते उतार लें. अब अपने दोनों हाथ आप ऐसे रखें, टोपी वाला उतार लें, टोपिया उतर गया आई दौर में चला टोपी पड़ जाए. दोनों हाथ पे लिया रहे, आता तावा माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीकडे किंवा जमिनीवर. प्लीज पुट युअर लेफ्ट हँड टुवर्ड्स मी अँड राईट हँड टुवर्ड्स द मदर अर्थ ऑर ऑन दी ग्राउंड. लेफ्ट हँड मेरी ओर करें और राईट हँड जो है वो जमीन पर रख दें या जमीन की ओर कर दें अगर आप कुर्सी पर बैठे. अब राइट हैंड मेरी ओर करें, द राइट हैंड टुवर्ड्स मी लाइक दिस एंड द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द स्काई. कल आपको बताऊंगी मैं ये क्यों कर रहा हूं, टुमारो आई विल टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे संगे नहीं पर बता हाथ असा मागे गया पूरे नो असा मागे आ गया उजवा हाथ माझ्या कडे आणि डावा हाथ. आता दोन्ही हात आकाशाकडे असे, दोन हात आकाश की ओर इस तरह से प्लीज कुछ बोल के रहा गाय लगे कुछ बैक की ओर है और गर्दन पीछे बोल मान मागे घर और की बगा ऊपर देखिए. नाउ जस्ट आस्क द क्वेश्चन अगर इस दिस द फुल पीस ऑफ द होली गोस्ट और आस्क द क्वेश्चन अगर इस दिस द फुल पीस ऑफ द ऑल परवेइंग पावर ऑफ गॉड. प्रश्न करें कि क्या यही परमात्मा की सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य की शक्ति है. असा प्रश्न करा कि हे परमेश्वर ब्रह्म चैतन्य आहे का, असा प्रश्न तुम्ही मला करा, असा प्रश्न आपले मन में करें. आस्क इन योर हार्ट थ्री टाइम, तीन बार, तीन लाख आता हात अशी करा, बघा झाड सुद्धा हलत नाही आहे, ट्रीज आर नॉट मूव्हिंग, दे आर जस्ट स्टील, बट यू फील द कुल्पी इन युअर हँड. आय वॉच मी विदाउट थिंकिंग. हातामध्ये थंड थंड वाटेल, झाड हलत नाही, पेड हिल नाही रहे, पत्तिया नाही हिल रही, ये आपके हाथ में ठंडक आएगी. अब राइट हैंड मेरी ओर करके गर्दन झुका के आप सर की ओर यहाँ पर देखिए तालू पर यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, गर्दन झुका बेंड योर नेक एंड बेंड योर हेड एंड सी फॉर योरसेल्फ फ्रॉम द पॉसिबल बोन एरिया इफ यू आर गेटिंग अ कूल बी विथ योर लेफ्ट हैंड.
Just try to see carefully. Don't put the hand on top of your head, away from it. Adhantriya tara. Man khali vaku taru chati se. Baka khandava rai tuta. Kuna kuna la phar kuriya tu. Some people get it much further. Kisi kisi ko bahut aage aata hai. Aur kisi ke nazdeek. आता डावा हाथ मारेगा उस तो लेफ्ट हैंड टोड़ते थी शंका नहीं करना डोंट डाउट योर सेल्फ नाउ पुट डाउन योर हेड अगेन एंड सी विच योर राइट हैंड जस्ट अ कूल ब्रीज कमिंग आउट ऑफ योर हेड अब देखिए कि आपके कानों में से ठंडी हवा आ रही है बड़ा ताप रहता कालू चाहती तुम ठंडा वा रहा है कोई की नहीं ठंड ठंड स्वर हाँ ठंड नहीं पर ठंड ठंड से कैसे देखते हैं थोड़ा थोड़ा ना गर्म है किसी किसी को गर्म आएगा सम पीपल माइट फील द हॉट हीट कमिंग अप और द नाउ पुट द राइट हैंड अगेन नाउ बेंड डाउन योर हेड एंड सी व्हाट इज पर मान खाली वाक्य डाव्या हाताने बघा उजव्या हात माझ्याकडे बघा प्लीज कीप युअर हँड अवे फिर से गर्दन नीचे झुका के आप देखिए कि रात के तालू में से ठंडी हवा आ रही है लेफ्ट हैंड से देखिए राइट हैंड हमारी ओर रखिए ठीक आप दोनों हाथ ऐसे करें और ये विचार हो जाए विचार नहीं विचार अब जिन लोगों के हाथ में अब देखिए बिल्कुल आप देखिए एक पैर नहीं रहा एक पत्ती नहीं रही सब देखे हैं आपको जैसे कुछ आपको सब देख रहे हैं सबके साक्षी खड़े हैं एक पान हालत नहीं है सर साक्षी स्वरूप तुम्हारा बगत है As if these trees are witnessing what's happening to you. Only this is moving with the tree. Now, those who have felt the cool breeze in their hands, ज्यांच्या हातामध्ये थंड अशा लहरी आल्या जिनके हाथ में ठंडी ठंडी लहरें आई और they have felt it through their fontanel bone area, या तालू में से ऐसी ठंडी हवा आई तुम्हें अपने तालू से नशी ठंड हवा ली अच्छा लोगों ने दोनों हाथ वर्क करे ऐसे लोगों ने दोनों हाथ पकड़े ऐसे लोग दोनों हाथ पकड़े प्लीज पुट योर हैंड दोज आर फेल्ट सब साधु संत हो गए तो आपको हमारा नमस्कार अब अपने आत्म साक्षात्कार की इज्जत है यू मस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ रियलाइजेशन व्हाट यू हैव गॉट व्हाट यू हैव फेल्ट एंड व्हाट यू हैव एंजॉयड यू मस्ट नो व्हाट इज दिस पावर हाउ टू यूज इट हाउ टू वर्क इट आउट एंड नाउ यू हैव बिकम अथॉरिटीज ऑफ दिस पावर सो प्लीज Remember that now you have to move deeper and deeper into your own being. जो कुछ भी आप हो गए हम ये नहीं कहेंगे कि आप सहयोगी हो गए अभी हाँ आपकी अभी कुंडलिनी की जागृति हो गई इसमें कोई शक नहीं लेकिन अपनी गहराई में पूरी तरह से उतरने पर ही आप सहयोगी हो सकते हैं इसलिए पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि आप अपने गहराई में उतरें और इसे प्राप्त करें जो आपकी अपनी शक्ति अपनी संपदा है और अपना गौरव है बड़े आनंद की बात है कि आप सभी लोग पार हो गए फार आनंदाची गोष्ट है कि आपण सर्वच पार झाला सगळ्यांना आत्मसाक्षात्काराची सुरुवात झालेली आहे पण जोपर्यंत तुम्ही आपल्या घरचेच उतरत नाही तोपर्यंत तुम्ही सहयोगी आहात असं म्हणता येणार आणि गहनतेत उतरल्याशिवाय नेहमीच
कहीं ना कहीं त्रास राही जाते तो कृपा करून आमचे जिथे जिथे सेंटर्स आहेत तिथे जाऊन तुम्ही गळतेच उतरलं पाहिजे. उद्या परत मी आपल्या सेवेत हजर होणार आहे आणि उद्या आत्म्याबद्दल मी सांगणार आहे. तरी कृपा करून सर्वांनी इथे उपस्थित व्हावं आणि इतर मित्रमंडळींनाही निरोप करावा की फार सरळ सोपं काम आहे. 5 मिनिटात आम्ही लोक पार झालो. त्यांना विश्वास वाटता नाही म्हणावा येऊन बघा तुम्ही आणि खूप आता योग्य निद्रेत तुम्ही झोपाल आरामात. Now you have sold your boots, I think, and everything has worked out very well. You have to experience. Now the benefit of this, only by using this power and also by going deeper into your own being, you become really, absolutely an authority of virtue. I wish you all good luck.